जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापन यानी कि GTRE। तो बेसिकली DRDO GTRE के द्वारा अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो इसके लिए मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है jobsgyan.in। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि 150 पद पर ये नोटिफिकेशन निकाला है जिसके फॉर्म आप 16 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उस पर आपको क्या स्टाइपेंड दिया जाएगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये जो आपकी पोस्ट है किस डिसिप्लिन के अंदर कितनी है वो भी आप यहाँ पर टेबल के अंदर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करेंगे और यहां पर नीचे आएंगे और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर लिंक पर क्लिक करेंगे, ये PDF आपके सामने आ जाएगा। आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं जैसे कि कब तक आपकी एज काउंट होगी, एज आपके यहां पर मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, उसकी कैटेगरी वाइज आपको यहां पर जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अब आपको यहां पर अगर इसमें इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का तो आपको कैसे करना है। तो गाइज आपको मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने पर अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है तो आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालने के बाद में और आपका जो 10th का रोल नंबर है वो और आपका पासिंग ईयर है वो। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर देंगे या फिर अपनी ईमेल आईडी देंगे या फिर आप यहां पर पासवर्ड के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम है तो आपको यहां पर रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। 10th का रोल नंबर यहां पर आपको एंटर करना है, 10th आपने किस साल के अंदर पास की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप यहां पर आपका नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका नेम है वही आपको यहां पर लिखना है। आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि आप रखना चाहते हैं, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड यहां पर फिल करना है। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अब आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहां पर लॉगिन करना है इनमें से किसी भी माध्यम से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे तो आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर इसका इस्तेमाल करके और मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहां पर आपने जो ईमेल आईडी अभी रजिस्टर की है उसका इस्तेमाल करके एंड जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डाल करके ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहां पर आएंगे और आपको देखना है कि इसमें JRF अप्रेंटिस ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE में, जिसके फॉर्म 24 फरवरी 2023 से बेसिकली पब्लिश डेट है 24 फरवरी, और आप 16 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। तो आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको दिया है फेलोशिप अप्रेंटिसशिप टाइप, तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताएंगे कि आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी या फिर ITI अप्रेंटिस ट्रेनी, जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है आपका सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, आप इनमें से किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं तो जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं वही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहां पर आपका नेम देखने को मिलेगा या फिर आपको अपना नाम खुद से एंटर कर लेना है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है इसलिए यहां पर यह जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको यहां पर आपका फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम आपको यहां पर एंटर करना है। इस तरह पर अपलोड फोटोग्राफ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां से ओपन करना है तो आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। फिर यहां पर है आपकी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहां पर OBC सेलेक्ट करते तो आपसे पूछा जाता है कि आर यू क्रीमी लेयर ऑफ OBC, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए, ये आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यस नो कर पाएंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। अब गाइज यहाँ पर आता है आधार नंबर, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो आपको यस करना है। और इसके बाद आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इस लाइन के अंदर लिखना है, आपके सिटी या फिर टाउन का कौन क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपका जो भी पिन है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह
पे आपका परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आती है कंट्री, तो कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर देखने को मिल रहा है, आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आपके सामने आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपको टेंथ से फिल करनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, आपने टेंथ के सब्जेक्ट में किए तो बेसिकली ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, आप यहाँ पर टेंथ के सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से आपकी टेंथ की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस साल के अंदर आपने टेंथ पास किया वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये डिवीज़न क्या होती है, तो जिन कैंडिडेट के परसेंटेज 60 प्लस होते हैं उनको फर्स्ट डिवीज़न के अंदर काउंट किया जाता है, एंड जिनके 45 से 55 के बीच में रहते हैं या फिर 60 तक होते हैं उनको सेकंड डिवीज़न, और जिसके इससे कम होते हैं वो थर्ड डिवीज़न में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट डिवीज़न है, मैं फर्स्ट डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर क्या थे वो आपको लिखने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप ये वाली जानकारी ना भर के आपको CGPA वाली जानकारी भरनी होगी। अब आता है आपका ट्वेल्थ, तो आपने ट्वेल्थ किस सब्जेक्ट में किया, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, जिसमें भी किया वही आप यहाँ पर लिख देंगे। किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेम तरीके से एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, सेलेक्ट कर लेना है। डिवीज़न क्या थी वो आपको सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज आपकी यहाँ पर जो भी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है ITI, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस पर, तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा या ग्रेजुएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसकी जानकारी देनी है। तो बेसिकली ITI का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम फिटर लिखते हैं क्योंकि मैं फिटर में हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर है आपका बोर्ड, तो आपने किसके द्वारा की है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको यहाँ पर लिखना है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डिवीज़न क्या थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर जो भी थे वो आप लिख देंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद गाइज नीचे आइए, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और आप देना चाहते तो आप दे सकते, नहीं तो इसमें आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। फिर है रजिस्ट्रेशन नंबर इन HRD, NCVT, NATS, NAPS पोर्टल, तो ये जानकारी अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस या डिप्लोमा अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो आपका HRD का, MHRD का पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपको नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड ये पोर्टल कौन सा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे, ये वाला पोर्टल जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड इसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है इसकी वीडियो का लिंक भी मैं यहीं पर दे दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को वॉच करके इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर ले। एंड इसके बाद में गाइज वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड अगर आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो फिर आपको apprenticeindia.org इस वाली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस वीडियो को वॉच करके इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आपसे पूछे, हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड इन एनी DRDO लैब एस्टेब्लिशमेंट फॉर सिमिलियर पोस्ट, अगर आप कभी कोई इंटरव्यू आपका लिया गया हो DRDO में किसी भी लैब के द्वारा सिमिलियर पोस्ट पर, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर करंट अपॉइंटमेंट, कोई आपकी करंट अपॉइंटमेंट है तो आप यहाँ पर उसका जो डिटेल है वो लिखेंगे और उसका एड्रेस भी आपको देना होगा। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि ID एंड एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि आप आधार और वोटर ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा, जैसे कि PDF, JPEG या फिर JPG। साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। फिर आपको DOB का जो प्रूफ है वो देना है, जिसमें कि आप आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी फाइल है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका HRD, NCVT, NATS, NAPS पोर्टल का जो सर्टिफिकेट है, जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। EWS कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जरूरी क्वालिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। वो आपका ITI का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, डिप्लोमा का भी हो सकता है और आपका ग्रेजुएट का भी, ग्रेजुएशन का भी हो सकता है, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन
डिग्री सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिग्री का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ऊपर जो यहाँ पर है ये मार्कशीट है और नीचे है आपका सर्टिफिकेट, ये चाहे ITI का हो या फिर डिप्लोमा का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो। कैटेगरी प्रूफ सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर लिखेंगे कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको आपके पैलेस का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे एंड सभी जानकारी को चेक करने के बाद में चाहे तो आप पहले सेव कर लीजिए ड्राफ्ट के रूप में ताकि ये जानकारी सेव हो जाए और उसके बाद में आपको सबमिट करना है। अब गाइज जैसे ही आप इस जानकारी को सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद में जैसे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी। अब आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग DRDO GT RE अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।